जहाँ तेल खत्म हो जाएगा वहां से जाएंगे, भरवा लेंगे दोबारा। तो लिटरली हमें नहीं पता है, उसके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप पूरा ब्लॉग देखिए तो आपको भी पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। If I called you and give me a helping hand, would you come catch me if I fell down towards a bitter end? तो जी हम आ चुके हैं अपनी पहली मंजिल पे। जो यहाँ पहले आ चुके हैं उन्हें समझ में आ गया होगा, जो नहीं आए हैं वो व्लॉग देखिए। पिछले बार हमारे यहाँ भंडारा चल रहा था मस्त है अंदर जो सोना। तो हम आए हैं हनुमान धाम, आइए आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर सी जगह है। ये मंदिर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और आज से एक डेढ़ साल पहले जब मैं आई थी तब भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। अब इसकी कंडीशन थोड़ी और ज्यादा खराब लग रही है, क्योंकि इधर उधर बनते जा रहा है और जो पहले का बना हुआ है वो उसका पेंट वेंट सब बारिश धूप से खराब होते जा रहा है। चलिए चलते हैं अंदर। अंदर नहीं जाने दे रही है क्या? भोग का टाइम है पता नहीं। अरे पैर जलेंगे यार। मुख्य मंदिर से बाहर आ चुके हैं हम, और अब हम यहाँ जो बाहर पे बाकी मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे। और जब तक ये काम होगा तब तक पहले का खराब हो रहा है। वो देखने लग गया पहले वहाँ तो चमक रहा था ये पूरे में।
तो जी यहाँ लगा है छोटा सा जाम, देखते हैं कितनी देर में खुलता है। ये बारिश में इतना पानी आया है इसकी वजह से यहाँ पे जाम लगा हुआ था। दिक्कत ही है, स्कूटी फंस जाए यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड एंड लास्ट लोकेशन ऑफ द डे, विलेज वाटिका ऑर्गेनिक डाइनिंग रामनगर। ये एक ऑसम सा रेस्टोरेंट है जो कि रामनगर में है, एंड आज देखते हैं अंदर से कैसा है। अभी तक तो हमने सिर्फ बाहर से इसकी पिक्स वगैरह देखी हैं, और इन लोगों का फ़ोटोशूट शुरू हो चुका है। तो जब तक ये लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं तब तक मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये है कैसा। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। सिटिंग है भी यहाँ बाहर भी था तो सही। रश बहुत है बट स्टिल हमें टेबल मिल गई है, और हमने बेसिकली लंच ही ऑर्डर करा है अभी क्योंकि 2 बज चुके हैं, लंच टाइम ऑलरेडी हो गया है। ये हमारा शैतान बच्चा, ना कुछ खाते ना खाने देता है। खाने का टेस्ट माइंड ब्लोइंग है यहाँ पे, और पेट फुल करने के बाद हम आए हैं टेरेस में। तो ये है इसका टेरेस का व्यू। यहाँ पे भी अच्छे खासे सिटिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया भी। ये देखो कैमल, इट्स कैमल। बहुत टॉर्चर है। इधर नितिश ले गए हैं सिया को एलिफेंट से मिलवाने, उसके लिए तो अजीबोगरीब है, सेकंड टाइम देख रही है, बट आई डोंट थिंक कि उसे अभी भी समझ में आया होगा कि ये क्या है।
अब हम भी घर को चलते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। लाइक शेयर कमेंट तो आपने करना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इस प्लेस पे ज़रूर आइए, खाना टेस्ट करिए अगर आपको टेबल मिलती है तो, वरना तो हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए बाय बाय।